हेलो एंड वेलकम बैक टू फैब्रिक्स। मैं हूं रोजी और आज की वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं विच इज फ्रॉम VLCC और ये फेशियल किट है। तो ये है एंटी टैन फेशियल किट और इसका आज मैं फुल ऑन रिव्यू करने वाली हूं विथ डेमो, तो स्टे ट्यून्ड। इसके पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, पैकेजिंग एंड डिटेल्स जो भी इसकी कार्डबोर्ड पे है, तो लेट्स गो थ्रू दैट। कुछली पैकेजिंग देख लेते हैं। तो VLCC नेचुरल साइंस एंटी टैन फेशियल किट फेस टैन एंड सॉफ्ट एंड सन एक्सपोज स्किन गेट पार्लर लाइक ग्लो। यहाँ पे ऑरेंजेस और कुकुम्बर बना करके दिखाया है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में ये दोनों चीज़ें होंगी और यहाँ पर एक टैन फेस्ट को डी टैन करके दिखाया है और ये दिखाना चाहते हैं कि ये रिजल्ट आएगा पिक्चर के थ्रू, ये दिखाना चाहते हैं। इसके इस साइड पर आपको नाम मिल जाएगा, इस साइड पर इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, इस साइड पर आपको मिलेगा फाइट्स द टैन एनी टाइम एनीवेयर और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और बाकी चीज़ें मिलेंगी कि ये इसका ऑफिस कहाँ है, क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें पहले आते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो इसमें एक क्लिंजर एंड टोनर है जो कि डीपली क्लीन करता है, मिनिमाइज करता है पोर्स को। फिर स्क्रब है, जेल है, क्रीम है, पैक है, मॉइस्चराइजर है। ये सारी चीज़ों का लिखा हुआ है कि क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको पढ़नी है डिटेल में तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें 10-10 ग्राम की हैं और इसका जो रेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं। इस साइड पर आते हैं इन्ग्रीडियंट्स पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं इस पैकेट में उस सब का अलग अलग इंग्रेडिएंट इन्होंने दे रखा है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सबका इन्होंने अलग अलग से इंग्रेडिएंट लिख करके दिया है। जैसे क्लिंजर टोनर है उसका इंग्रेडिएंट है, स्क्रब है उसका इंग्रेडिएंट, जो मेलावाइट जेल है उसका इंग्रेडिएंट है। इस तरीके से सबका इंग्रेडिएंट इन्होंने इंडिविजुअली लिखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये क्लिंजर है और जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, ये दोनों में कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, वो पैराबेन है और इसमें पैराबेन है। बाकी की चार चीज़ों में पैराबेन नहीं है बट ये दोनों चीज़ों में पैराबेन है। तो आप देख लेते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है। तो ये है पहला स्टेप, ये प्री फेशियल फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। सब पे नंबरिंग लिखी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगी। 1, ये जैसे 4 है, इस पे 6 लिखा हुआ है, तो नंबरिंग आपको मिल जाएगी। तो 1 है ये क्लिंजिंग, मतलब आपको ये क्लिनिंग प्लस टोनिंग करेगा। ये स्क्रब है, इसके बाद 3rd स्टेप है आपका ये जेल है, 4th स्टेप आपका ये हो गया जो कि एंटी टैन फेशियल क्रीम है, मसाज क्रीम, और 5th स्टेप है ये है मेला वाइट पैक, ठीक है, और 6th स्टेप हो गया ये आपका ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। तो इसको मैंने एक एक बार यूज़ किया है और दूसरी बार अभी आपके सामने यूज़ करूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं डेमो देने वाली हूँ और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 5-in-1 ब्यूटी मसाजर। इसके पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें इसके पूरे डिटेल्स है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग, तो मैं इसे ले रही हूँ और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस। साथ के साथ करते चलते हैं। इसको मैंने एक बार ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और इसका रिजल्ट मुझे अच्छे से पता है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ आपके सामने ताकि आप इसका सारा कंसिस्टेंसी वगैरह देख सके और कैसे अप्लाई करना है ये देख सके। रिजल्ट के बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो रिजल्ट, क्योंकि फेशियल है तो 3-4 दिन बाद ही इसका अच्छे से रिजल्ट पता चलता है, इसलिए इसको मैंने पहले एक बार यूज़ कर लिया है और दूसरी बार इसलिए आपके सामने यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इसे देख सके कि कैसे यूज़ करना है। तो इसके रिजल्ट के बारे में मैं अच्छे से बात कर पाऊंगी। सो आई एम जेंटली मसाजिंग फॉर 1/2 मिनट और उसके बाद मैं एक कॉटन की हेल्प से इसको वाइप कर दूंगी। एक कॉटन की हेल्प से मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्लोथ यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं या आप। सेकेंड स्टेप स्क्रब है और ये पाउडर फॉर्म में है, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले। इसका मैंने पहले यूज़ नहीं किया था। आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने एक बार यूज़ कर लिया है तो इसको मैंने क्यों नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास एक और ऐसा किट था उसका स्क्रब बचा हुआ था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया था, क्योंकि इसमें इतना स्क्रब होता है कि आप 3-4 बार यूज़ कर सके। तो मैं इसे एक बोल में ले रही हूँ और आपको अभी दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है, डोंट वरी। तो यू कैन सी कि कुछ ये इस तरीके का दिखता है। आप इसमें वाटर मिक्स कर सकते हैं, रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं या मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मैं मिक्स कर रही हूँ नॉर्मल वाटर। सो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे अप्लाई करने वाली हूँ और ये बिल्कुल ओट्स की तरह महकता है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है बिल्कुल ओट्स की तरह ही है। तो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और ये ज़्यादा मीन्स चंकी वाले स्क्रब नहीं, बहुत ही माइल्ड स्क्रब है
और जैसा लग रहा है कि ओट्स को ही हमने बस पानी में मिक्स कर लिया है, कोई स्क्रब के ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है। तो जिनकी अगर स्किन मोटी है तो वो लोग इस स्क्रब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अगर अपना स्क्रब के पार्टिकल्स मिला सकते हैं या फिर दूसरा कोई स्क्रब यूज कर सकते हैं इसमें मिक्स करके, तो वो करें, क्योंकि इसमें बहुत ही माइल्ड वो है स्क्रबिंग है। तो ये जो ओटमील स्क्रब है ये आटे की तरह फील हो रहा है और इसमें स्क्रबिंग के कुछ ज्यादा पार्टिकल नहीं है, तो मैं ये वाला हेड लेकर के स्क्रब कर रही हूँ। ये स्क्रबिंग आपको करनी है फॉर 2 मिनट्स। और जब भी आपको लगे कि आपके हैंड्स जो है वो चल नहीं रहे तो आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लीजिए, तो मैं इसको वाटर में डिप कर रही हूँ। वॉश योर फेस आफ्टर स्क्रबिंग, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मसाजिंग है और उसमें हमें स्क्रब के पार्टिकल फेस पे नहीं चाहिए। मैंने स्क्रब को वॉश कर लिया है, अब मैं यूज करने वाली हूँ थर्ड स्टेप विच इज मेला वाइट जेल। तो जेल से मसाज करेंगे, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कुछ इस तरीके की है और व्हाइट कलर की जेल है, ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ। इसमें कोई टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है कि आपको कितने देर तक मसाज करना है, तो आपको खुद से अपना अज्यूम करना होगा कि आपको कितने देर तक करना है, क्योंकि स्क्रब हम 2 मिनट से ज्यादा नहीं करते, 1 से 2 मिनट। और जो मसाज है ये जेल वाला ये हम करते हैं 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में कर रही हूँ। यू कैन यूज योर फिंगर्स टू मसाज, बट मैं ये 5-in-1 ब्यूटी मसाजर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका जो ये मसाजिंग हेड है जिसमें 4 बॉल्स लगे होते हैं, ये काफ़ी अच्छे से क्रीम को आपके स्किन के अंदर पुश कर देता है, यानी आपकी स्किन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप फिंगर टिप्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो। मसाज जेल को मसाज करने के बाद या तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं या तो आप उसी के ऊपर से 4th स्टेप कर सकते हैं विच इज क्रीम, मसाज क्रीम। तो अगर जेल है तो वो आपके स्किन में अगर अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी अगर जेल बची हुई है तो उसको वाइप करके और उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं, फेस वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रीम की अब कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ, तो ये इस तरीके का कुछ ग्रीन कलर का है एंड पिस्ता जैसे महक है इसकी। इस पे लिखा भी हुआ है कि विथ पिस्ता एक्सट्रैक्ट एंड रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, तो ये बिल्कुल पिस्ता की तरह खुशबू है और कलर भी ग्रीन दिख रखा है इन्होंने। अगेन आई एम यूजिंग द सेम हेड और फिर मसाज कर रही हूँ अपने इस क्रीम को ताकि ये अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन अगेन यूज योर फिंगर टिप्स। यू कैन डेफिनेटली ट्राई सम पार्लर वाले स्टेप्स, जो पार्लर वाली यूज करती हैं फेशियल में, वो स्टेप्स आप आराम से यूज कर सकते हैं एंड मसाज इट फॉर अनदर 10 मिनट्स। आफ्टर 4th स्टेप हमें 5th स्टेप पे जाना है जो कि एक पैक है, और 4th स्टेप के बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना डिफरेंस दिख रहा है, एक ग्लो दिख रही होगी मेरे फेस पे। तो अभी लास्ट में बात करेंगे रिजल्ट की, तो पैक अप्लाई कर लेते हैं। पैक इसका काफी थिक है तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी, तो इस तरीके का कुछ पैक है, बहुत ही थिक है इसका। तो अगर आपके फेस पे थोड़ा सा पानी रहेगा तो ज्यादा अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको वाटर से थोड़ा सा वो कर रही हूँ, मेट कर रही हूँ अपने फेस को एंड लीव इट फॉर 20 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया है अपने पैक को और अब बारी है 6th स्टेप की विच इज अ मॉइस्चराइजिंग जेल, ऑयल फ्री है। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ये सील होता है, और फिर आप पूछेंगे कि एक बार मैंने यूज कर लिया है तो दोबारा जब मैं यूज कर रही हूँ इसको तो इसका सील क्यों नहीं ब्रेक है, क्योंकि इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे थे और ये आराम से आपका 10 दिन जाता है अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, 10 दिन ये जाएगा। तो ये मुझे काफी पसंद है, इसका ये जेल बहुत अच्छा वर्क करता है और सीरम की तरह काम करता है, जैसे एक सीरम काम करता है। तो ये मैं ले रही हूँ अपने हैंड पे और इसका कलर आप देख सकते हैं येलो कलर का है ये, और इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। ये ग्लू टाइप की खुशबू आती है इससे, इसमें ग्लू टाइप की फ्रेग्रेंस है, और इसको अच्छे से मैं मसाज कर लूंगी अपने फेस पे एंड नेक पे। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मेरी फेस कैसी थी और अभी मेरी फेस कैसी दिख रही है, तो आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगी। अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हूं ही बताने के लिए, तो मैं बता देती हूँ। पहली चीज, मेरी स्किन जो है मुझे सबसे पहले बहुत ही स्मूथ लग रही है, क्लीन लग रही है, फ्रेश लग रही है, जो कि ऑब्वियसली इस प्रोसेस के बाद लगती है, तो वो नॉर्मल सी बात है, ये मुझे लग रही है। उसके बाद मुझे अपनी स्किन थोड़ी रेडिएंट लग रही है, थोड़ी ग्लोई लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरी स्किन में थोड़ी जान आ गई है, तो इस टाइप की फीलिंग आ रही है। और टैन रिमूवल की बात करूं तो यस, आई फील कि ये जो फेशियल किट है ये टैन रिमूवल का है, तो ये डेफिनेटली टैन रिमूव करता है। सो ये एंटी टैन पैक डेफिनेटली
टैन रिमूव करता है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। और इस पे ऑफर भी होता है नायका पे, बहुत बार ऐसा होता है कि ये बाय वन गेट वन पे मिल जाता है आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नायका का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।